लेटेंट हीट में, लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, हिडन हीट। अब नॉर्मली क्या होता है, देखो ये हिडन वर्ड क्यों आ रहा है और लेटेंट हीट इसको क्यों बोलते हैं, आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए। आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, आइस है, तो आइस पड़ी हुई यहां पे, आपने इसको क्या दी, हीट दी, आपने हीट दी, हीट दी, और आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। जो वाटर है उसका टेम्परेचर पता है क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा सा, अभी अभी डिस्कस किया जब हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन इधर देखो हीट कहाँ गई पता ही नहीं, छुपा ली उसने, मतलब बता नहीं रहा था कि मेरे को स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए भी हीट चाहिए थी। तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज करना, जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, स्टेट ऑफ मैटर जैसे आइस पानी में, पानी आइस में, तो टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता। जैसी अगर गर्म पानी लेते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर लेते हो तो, और उसको गर्म करते हो तो क्या बनेगी, स्टीम बनेगी, और स्टीम भी किस पे बनेगी, 100 पे बनेगी। तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गई, हीट देनी पड़ी आपको इस केस में भी, लेकिन टेम्परेचर रिमेनिंग द सेम। तो आप इसमें एमसी डेल्टा टी तो लगा ही नहीं सकते ना हीट में, क्योंकि डेल्टा टी तो 0 है, तो अकॉर्डिंग टू एमसी डेल्टा टी, डेल्टा टी तो है ही नहीं, तो हीट क्या दी, 0 नहीं, पर हीट तो दी। तो वो छुपी हुई हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो जैसे मान लो आपके पास, इमेजिन करो आइस है, आइस का एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास यूनिट आइस है, 1 ग्राम, 1 kg, जो मर्जी मान लो यूनिट लेनी है, तो इसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, वाटर में, तो आपको हीट देनी पड़ेगी, और उस हीट को बोलते हैं एल, लेटेंट हीट। इसको होती है हीट है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल इज लेटेंट हीट। तो लेकिन कोई कहता है सर मेरे पास तो एम के जी सब्सटेंस है, तो मैं कितनी हीट दूं, तो मैंने कहा एम इंटू एल, तो एम से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हीट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू, तो क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, एम एल। तो जब भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, क्यू इज इक्वल टू एम एल, और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। दोनों अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, स्टेट ऑफ मैटर में एम सी डेल्टा टी नहीं लगाना, स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में कितनी हीट लगाना, क्यू इज इक्वल टू एम एल लगाना। ऐसी स्टीम है, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, और आपने इसको क्या बना दिया, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बना दी, मान लो एम सब्सटेंस वाटर का था, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, क्यू इज इक्वल टू एम एल। तो आप सोचेंगे क्या ये क्यू इज इक्वल टू एम एल वाटर और आइस में, वाटर और स्टीम में बराबर होता है, नहीं बराबर नहीं होता, स्टीम में ज्यादा हीट देनी पड़ती है, आइस में कम हीट देनी पड़ती है, आइस जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो इसीलिए जब आइस और वाटर, वाटर और आइस कन्वर्जन होती है, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है पानी का आइस, आइस का पानी बनना, तो फ्यूजन, और वेपर बनना, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्यू इज इक्वल टू एम एल में जब स्टीम का एग्जाम्पल आएगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वर्ड बोलते हैं, और अगर आइस का एग्जाम्पल आएगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो लेटेंट हीट क्या हुई, लेटेंट हीट वो हीट हुई जो रिक्वायर्ड है ताकि आप स्टेट ऑफ मैटर किसी भी चीज का क्या कर सको, चेंज कर सको। मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल करवाता हूं, फिर डेफिनेशन पढ़ूंगा इसकी, जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट एक ही एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, एब्सोल्युटली क्लियर। और वो ये एग्जाम्पल है, अगर आपके पास -150 डिग्री आइस है, और किसी ने मेरे को कहा कि सर मेरे को स्टीम बनानी है इसकी, 150 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनानी है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो मैंने कहा देख एक काम करते हैं, तू हीट देनी शुरू कर, एम सब्सटेंस ऑफ आइस है, पहले वो आइस गर्म होके क्या बनेगी, 0 डिग्री सेल्सियस आइस ही रहेगी, फिर तू और हीट देगा तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी, तो आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर तू और हीट देगा तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा, तो और हीट देगा स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा 100 पे, फिर और हीट देगा तो जाके 150 होगा, तो 2 बार स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है। तो कितनी हीट देनी पड़ी, आइस को आइस 0 लाने के लिए क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि टेम्परेचर चेंज है, तो वी विल अप्लाई क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी में फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, या बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, ये हीट देनी पड़ी, वेयर सी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। अब यहां इंपॉर्टेंट है, जैसी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुई, यहां एमसी डेल्टा टी लग नहीं सकता क्योंकि डेल्टा टी तो 0 है, तो यहां पर क्या लगेगा, एम एल, एम एल में एल इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पेपर में गिवन होगी है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एमसी डेल्टा टी, फिर क्यू इज इक्वल टू एम एल, लेकिन यहां पर करेक्शन कर लेना,
यहां पर वी आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एफ नहीं आएगा. तो क्यू इज इक्वल टू एम एल में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने की हीट रिक्वायर्ड है, और फिर एम सी डेल्टा टी. तो सारी हीट को ऐड कर लेना आंसर आ जाएगा. तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां स्टेट ऑफ मैटर चेंज है वहां क्यू इज इक्वल टू एम एल, वहां टेम्परेचर चेंज नहीं है, और जहां टेम्परेचर चेंज है वहां पर क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक. तो इसमें इसके बेस पे अगर लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस. ये एल की डेफिनेशन बता रहे, एमएल की नहीं. तो एल में हमने मास क्या लिया था स्टार्टिंग में, यूनिटी. तो 1 kg सब्सटेंस की स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने की हीट को रिक्वायर्ड को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं. तो एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बोलना जरूरी है, क्योंकि जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है तो टेम्परेचर क्या रहता है बॉडी का? कॉन्स्टेंट. तो लेटेंट हीट को मतलब हिडन है. क्यू इज इक्वल टू एम एल मैंने बता दिया, एल का फॉर्मूला क्यू बाई एम है. कई बुक्स इसको जूल पर केजी लिखती हैं, कई कैलोरी पर ग्राम भी लिखती हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेंगे. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने बता दिया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, उसको फ्यूजन बोलते हैं. आइस से वाटर, वाटर से आइस फ्यूजन है. और वेपोराइजेशन में इसको क्या बोलते हैं? स्टीम से वाटर, वाटर से स्टीम. वेपर बनाने के लिए हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. इसके अंदर ये बहुत सही ग्राफ है जो मार्क करने को आ सकता है ऐसा ग्राफ. ये आपका ग्राफ है हीट का, और ये ग्राफ है किसका? टेम्परेचर का. मान लो आइस जो है, यहां पर जो आइस है वो -20°C पे है. तो आप इसको हीट दोगे, राइट साइड पे हीट दोगे ताकि आइस पहले जीरो पे बने. तो देखो हीट दे रहे हो, राइट की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है, और 0°C पे आइस बन गई. फिर आप और हीट दोगे ताकि ये ठंडा पानी बन जाए, लेकिन जब हीट दोगे टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, क्यू इज इक्वल टू एम एल, टेम्परेचर जीरो से जीरो है. फिर और हीट दोगे तो पानी गर्म हो गए, 0°C पानी बनेगा. फिर अब और हीट दोगे पानी स्टीम बनेगा, लेकिन इसमें लेटेंट हीट की वजह से टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी इसमें? कॉन्स्टेंट. हीट आपकी कॉन्टिन्यूसली लगती जा रही है, ग्राफ राइट शिफ्ट होता जा रहा है क्योंकि हीट लग रही है, पर टेम्परेचर दो स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट. फिर आप स्टीम को और गर्म करोगे तो स्टीम और 120°C पे स्टीम जाएगी. तो ग्राफ समझ में आ रहा है? तो ग्राफ जब फ्लैट होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करता है, इसका मतलब स्टेट ऑफ मैटर क्या हो रहा है? चेंज. ऑब्जेक्टिव में ये देखना होता है कहां फ्लैट है, इसका मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, ये पता लगता है फ्लैट होने से. क्लियर है? उसी तरीके से ये भी इसमें ग्राफ है ऐसा जो ऊपर हमने छोड़ा, बस फर्क ये है वो ग्राफ टाइम के साथ है, टेम्परेचर एंड टाइम. तो समय के साथ आपने मेल्ट किया आइस को, आइस को जब मेल्ट किया समय लगा तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है. फिर समय लगा वो लिक्विड गर्म हुआ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है. फिर समय लगा वेपर बन रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, और फिर समय लगा उसको गर्म करने में. तो ये टाइम के साथ ग्राफ है, लेकिन ज्यादातर ग्राफ टाइम के साथ नहीं आता, ज्यादातर हीट के साथ आता है. मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक. तो ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है.